वो शहर बड़ा ही पावन होता है जिसे छूकर मां गंगा निकलती हैं। बिहार के बक्सर जिले के उत्तर दिशा में पतित पावनी गंगा के तट पर स्थित रामरेखा घाट की ठाट से आज आपका तारुफ कराते हैं। कहते हैं कि स्वयं प्रभु श्री राम जब शिक्षा ग्रहण करने आए, उन्होंने अपने हाथ से एक रेखा खींची और उसी रेखा के भीतर एक शिवलिंग का निर्माण किया। रामरेखा घाट स्थित रामेश्वरम मंदिर में आज भी शिवलिंग पर उंगलियों के निशान इस बात की गवाही देते हैं। घाट का प्रवेश द्वार जो संदेश देता है कि प्रभु श्री राम ने यही धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जन किया, यही वो स्थान है जहां महर्षि विश्वामित्र अपने तप को सुरक्षित करने हेतु राजा दशरथ के दो राजकुंवर राम और लक्ष्मण को मांग लाए ताकि ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया जा सके। यही वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कहानी शुरू होती है। रामरेखा घाट अपनी लौलिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर पश्चिम में महर्षि विश्वामित्र का आश्रम है जहां श्री राम की चरण पादुकाएं आज भी बड़े जतन से संभाल कर रखी गई हैं। यहां की सुबह जितनी शांत और बेखबर होती है, शाम उतनी ही भीड़भाड़ से भरी और रंगीन नजर आती है, क्योंकि यहां के लोग सनराइज से ज्यादा सनसेट के दीवाने हैं। और हो भी क्यों ना, इस पार से बैठकर उस पार ढल रहे सूरज को कौन नहीं अपने नजरों में कैद करना चाहता। दोस्तों की मस्तियां, बुढ़ापे का प्रोविडेंट फंड, आस्था की झांकियां, इन सबको एक साथ अपनी गोद में बिठाता है अपना हमारा रामरेखा घाट। घाट आए और मां गंगा की आरती ना देखें तो दूसरे काशी की पहचान अधूरी रह जाएगी। दिए की लौ में बुझता सूरज और मंत्रोच्चारण, ये सब आपको दैवीय एहसास से लबरेज कर देगा। सच तो ये है कि घुमंतु मन यहां आकर ठहर सा जाता है। मां गंगा एक पल में आपकी सारी बेचैनियां समेट कर आपको सुकून दे जाती हैं। अगर आना हुआ कभी बक्सर तो रामरेखा घाट आपकी राह ताक रहा है। हां, दूसरा काशी आपका स्वागत कर रहा है।